हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जे आर। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो क्या हाल चाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग? आज का जो हमारा सेशन रहेगा पेपर वन का मस्ट नो सीरीज, इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो शिक्षा से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं उनको हम कवर करेंगे, यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड जो हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ से आपके सवाल आते हैं उनको हम इन अ शॉर्ट सेशन देखने वाले हैं। और हमारे दो सेशन रहेंगे, आज हम करेंगे दोस्तों एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल्स इसमें, और नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम करेंगे आपके एनवायरनमेंट से। तो दोनों से ही रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड भी यानी कि शिक्षा से रिलेटेड आर्टिकल्स भी आपसे पूछे जाते हैं, और पर्यावरण से रिलेटेड आर्टिकल्स भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज हम एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं जिनको कवर करने वाले हैं। शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं जेआरएफ अड्डा ऐप और वेबसाइट के बारे में। अगर आपने अभी तक भी जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट और ऐप को विजिट नहीं किया तो जल्दी से आप विजिट कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको मिलेंगे हमारे कैप्सूल कोर्सेज फॉर द पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर टू में आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो जितने भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं आप पेपर टू का कैप्सूल कोर्स ले सकते हैं। और पेपर टू की टेस्ट सीरीज भी आपके लिए आ चुकी है, जिसमें 31 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, और पेपर वन की कैप्सूल कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पर। साथ में दोस्तों आपके लिए सेट की टेस्ट सीरीज भी आ चुकी है, तो आप लगभग 15 स्टेट ऐसे हैं, 15 राज्य ऐसे हैं जहां पर आपका सेट एग्जाम होता है, और सेट एग्जाम की टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है इन 15 स्टेट्स की। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो हमारी सपोर्ट टीम को आप कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। चलिए जी, तो शुरू करते हैं। हमारा जो मेन मुद्दा है वो है कि शिक्षा से रिलेटेड जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो देखिए, सिलेबस की मैं बात करूं यूनिट 10 की, तो आपका जो लास्ट टॉपिक है बेसिकली पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यहां से आपके सवाल पूछे जाते हैं बेसिकली जो आर्टिकल से रिलेटेड होते हैं। तो ये सवाल है जो आपसे पूछे जाएंगे जो आर्टिकल से रिलेटेड है। चलिए तो बात कर लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों, जो भारत का जो संविधान है वो दुनिया में सबसे बड़ा संविधान है। इट इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। जब संविधान बना था हमारा, तब लगभग हमारे पास आर्टिकल थे 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे, लेकिन प्रेजेंटली हमारे पास में 12 शेड्यूल हैं और आपके 470 आर्टिकल्स हैं। इनमें से हमें वही पढ़ने हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, यानी शिक्षा से जो रिलेटेड हैं उनको हमें पढ़ना है दोस्तों। चलिए तो बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग द एजुकेशन इन इंडिया, यानी शिक्षा से संबंध में जो संवैधानिक प्रावधान है भारत के उनको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखो बात करते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे एजुकेशन से रिलेटेड है, फिर उनको हम थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो आर्टिकल 15 क्लोज 1 जो है वो आपका किससे है, आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन फॉर द वुमेन। तो एक तो आर्टिकल 15 जो है इसको आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आर्टिकल 21 ए है, ये आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, राइट टू एजुकेशन। फिर आपका आर्टिकल 29 है, जिसमें दिया गया है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये आपका किससे रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है। फिर आपका आर्टिकल दिया गया है आर्टिकल 30, आर्टिकल 30 किससे रिलेटेड है, ये भी आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, जिसमें दिया गया है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो हमने बात की आर्टिकल 15, जिसमें महिला शिक्षा की बात की गई है। फिर आर्टिकल 21 है, जिसमें राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21 ए है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन की बात की गई इसमें आर्टिकल 21 ए में। फिर आर्टिकल 29 है, इसमें जो अल्पसंख्यक हैं उनके इंटरेस्ट की बात की गई है, उनके एजुकेशन की बात की गई है। फिर आपका आर्टिकल 30 है, जिसमें माइनॉरिटीज को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश और एडमिनिस्ट्रेट करने के राइट्स दिए गए हैं। फिर आपका है आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 में आपको क्या दिया गया है, आर्टिकल 45 में आपको दिया गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो शिक्षा है उसके लिए यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं, है ना, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू बिलो एज ऑफ 6 ईयर, 6 साल के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान। फिर आपका है आर्टिकल 46, इसमें जो सोशली एंड
इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है, बेसिकली इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उनके लिए बात की गई है, यानी कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसकी बात कहाँ पे की गई है? आर्टिकल 46 में इसकी बात है जो की गई है। उसके बाद में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग द एजुकेशन इन इंडिया, इसमें आपका क्या किया गया है? इसमें आर्टिकल 51A, ठीक है, इसमें जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटी हैं, जो मौलिक कर्तव्य हैं, इनकी यहाँ पे क्या की गई है? बात की गई है। तो आर्टिकल 51 क्लोज जो ए है, इसमें बात की गई है फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर आपका आर्टिकल 350A है ना, इसमें बेसिकली दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा का हम प्रयोग करें, यानी कि जो पढ़ाई हो वो हमारी मदर टंग में हो। ये आर्टिकल 350 क्लोज ए में दिया गया है आपका। फिर आर्टिकल 351 है, इसमें दिया गया है आपका प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज, यानी हिंदी भाषा का प्रचार। तो ये क्या है आपके इंपोर्टेंट है आर्टिकल्स। इसके अलावा दोस्तों आपके जो आर्टिकल्स बचते हैं वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स आपके बचते हैं, तो उनको भी हम एक अलग से सेशन में कर लेंगे। और इसके नोट्स हैं जो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, जहां से आप इनको अच्छे से पढ़ लेना, है ना। और बहुत ज़्यादा डिटेल में इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ आर्टिकल्स पता होने चाहिए कि कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है। या आपको एक मैच द फॉलोइंग भी दे दिया जाएगा कि कौन सा आर्टिकल शिक्षा से रिलेटेड है, कौन सा आर्टिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, या इनकी जो सब्जेक्ट मैटर है ये आपको दे दिया जाएगा कि 351 है ना, जो आर्टिकल 30 है, 45 है, 46 है, 15, 21, ये सब किससे रिलेटेड है, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ऐसा सवाल एक अक्सर आपसे पूछा जाता है। और नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उसमें मैं आपको जो भी हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो हम कर लेंगे, ये नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे। जो नेक्स्ट हमारा सेशन रहेगा उसमें हम इसको कवर कर लेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक बार आप सब लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आपने जितने भी आर्टिकल आज पढ़े हैं एक बार आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने आज कौन कौन से आर्टिकल पढ़े हैं, ठीक है। वो ज़्यादा नहीं है, 7 से 8 आर्टिकल्स हैं जो आपको याद रखने हैं शिक्षा से रिलेटेड। चलिए जी, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही।